अगर आप लोगों ने इडाटेन जंप सीजन 2 के पीछे के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन सभी एपिसोड को देख लो, वरना आपको एपिसोड 5 की कहानी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शो, क्योइची, कोई, गाबू और आर्थर, ये पांचों रेडर एक दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं। और वो लोग इसलिए चले जाते हैं दूसरे डायमेंशन में क्योंकि उन सभी को अननोन रेडर के बारे में पता लगाना था। और दूसरे डायमेंशन में जाने के बाद वो पांचों अननोन रेडर के बारे में पता लगाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता उसके बारे में। फिर ये पांचों उसे ढूंढना चालू कर देते हैं। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद शो को वो मिल जाता है और शो उसे चैलेंज कर देता है इडाटेन बैटल के लिए, क्योंकि शो को अपने पिछले हार का बदला चुकाना था। इसीलिए शो उसे चैलेंज करता है इडाटेन बैटल करने के लिए और वो अननोन रेडर हाँ भी कर देता है। और अननोन रेडर ये कहता है कि हमारी रेस कल होगी और जगह मैं तय करूंगा। शो कहता है ठीक है। शो ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताता है और उसके बाद वो इंतज़ार करता है कल की बैटल के लिए। और अब देखते हैं आगे की स्टोरी। शो और उसके सभी दोस्त बात कर रहे थे कि शो अननोन रेडर को कैसे हराएगा। क्योइची शो को ये कहता है कि शो तुम्हें ध्यान से इडाटेन बैटल करना होगा, क्योंकि ये बात हम सभी को पता है कि अगर हमारे बाइक्स को रेस करने के दौरान कुछ हो जाता है तो उसे ठीक करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है, क्योंकि ककेरू तो हमारे साथ है नहीं, इसीलिए कोई भी यहाँ पर बाइक को मॉडिफाई कर नहीं सकता और हम पांचों में से किसी को भी अच्छी तरह से बाइक को मॉडिफाई करना नहीं आता। इसीलिए कल की रेस में अपने फ्लेम कैचर पर अच्छी तरह से ध्यान देना ताकि उसे कुछ हो ना जाए। शो कहता है कि फिकर मत करो, कल की रेस में मैं फ्लेम काइजर पे पूरा ध्यान दूंगा और रेस को जीतूंगा भी। आर्थर कहता है कि शो अब तुम सो जाओ क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है, तब तक मैं और क्योइची तुम्हारे फ्लेम काइजर को अपडेट कर देते हैं कल की रेस के लिए, ताकि कल के रेस के लिए तुम्हें कोई परेशानी ना आए। हाँ, जानता हूँ कि हम दोनों मिलकर भी ककेरू जैसा अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। शो कहता है कि मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। ये कहकर शो चले जाता है अपने कमरे में सोने और थोड़ी ही देर में सुबह भी हो जाती है। सुबह होने के बाद ये पांचों शाम होने का इंतज़ार करते हैं क्योंकि अननोन रेडर ने शो को शाम को बुलाया था। और उसके बाद शाम हो जाती है और फिर शो निकल जाता है अपनी रेस के लिए और शो के साथ उसके दोस्त भी थे। और फिर बाद में शो वहीं पर जाता है जहां पर उसे अनजान रेडर ने बुलाया था। शो के बाकी दोस्तों को देख कर वो रेडर ये कहता है कि मुझे लगा कि यहाँ पर तुम अकेले ही मेरा सामना करने आए हो, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हारे साथ तुम्हारे चमचे भी आए हैं। ये बात सुनकर पांचों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन कोई भी उसके जवाब का रिप्लाई नहीं देता। और उसके बाद शो बस इतना कहता है कि हमारी रेस कहाँ पर होगी। वो रेडर शो को कहता है कि मेरे साथ चलते रहो। और फिर वो सभी उसका पीछा करते करते एक गुफे के अंदर आते हैं और वो गुफा काफ़ी ज़्यादा अजीब सा दिख रहा था और उस गुफे के अंदर भी कई सारे गुफे दिख रहे थे। और उसके बाद वो राइडर उन्हें एक गुफे के अंदर लेकर जाता है और काफ़ी देर तक चलने के बाद वो लोग उस गुफे के अंदर से बाहर निकलते हैं और एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। कोई कहता है कि मुझे ये दुनिया उस दुनिया से अलग क्यों लग रही है। वो रेडर कहता है कि क्योंकि ये दुनिया उस दुनिया से अलग है, हम सभी अब दूसरे डायमेंशन में है। ये बात सुनकर वो पांचों हैरान हो जाते हैं। वो रेडर कहता है कि ये दुनिया उस दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है, इसलिए मुझे हराने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। शो कहता है देखते हैं। फिर वो रेडर उन्हें रेस ट्रैक पर लेकर जाता है। रेस ट्रैक को देखने के बाद वो सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि रेस ट्रैक पर कई सारे ऑब्स्टिकल थे। शो कहता है कि इन ऑब्स्टिकल को तो मैं आराम से पार कर लूँगा। और फिर इन दोनों की रेस स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही राइडर स्टार्ट काफ़ी तेज़ी से करते हैं, लेकिन वो राइडर शो से थोड़ा आगे रहता है। शो सोचता है अपने मन में कि मैं उससे पीछे रहूँगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर मैं उससे आगे रहूँगा तो हो सकता है कि वो अपने स्पेशल मूव से मेरे फ्लेम काइजर को थोड़ा नुकसान पहुँचा दे। और फिर मेरे फ्लेम काइजर को ठीक करने वाला यहाँ पर है नहीं कोई, इसीलिए वो अपने फ्लेम काइजर पर शो काफ़ी अच्छी तरह से ध्यान दे रहा था। दोनों ही राइडर रेस में काफ़ी अच्छी तरह से डटे हुए थे, लेकिन वो जो राइडर था वो शो से थोड़ा आगे रहता है, लेकिन शो जानबूझ के उससे पीछे रहता है क्योंकि शो जानता है कि अगर वो उससे आगे जाएगा तो हो सकता है कि उसके फ्लेम काइजर को नुकसान पहुंचा दे वो। शो का प्लान ये है कि पूरे रेस में वो राइडर के पीछे रहेगा और जैसे ही फिनिश लाइन करीब आएगी वो अपनी पूरी पावर रिलीज कर देगा और उस राइडर से आगे निकल जाएगा और इडाटेन बैटल को जीत लेगा। शो का कुछ ऐसा प्लान रहता है, लेकिन शो जानता है कि वो राइडर उसे इतनी आसानी से जीतने देगा नहीं, इसीलिए शो को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। और धीरे धीरे ऑब्स्टेकल उनके करीब आ रहा था और वो दोनों ही राइडर ऑब्स्टेकल के करीब आने के बाद रुक जाते हैं, क्योंकि बिना रुके ऑब्स्टेकल को पार करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए दोनों ही राइडर रुक जाते हैं। शो कहता है कि अब ये कैसे पार होगा। वो राइडर कहता है कि तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, मेरे लिए नहीं। वो राइडर अपने बाइक को काफ़ी तेज़ी से चलाता है और एक ही बार में उस ऑब्स्टेकल को पार कर लेता है और शो उसे देखता रह जाता है।
और आगे जाके उसने और भी कई सारे ऑब्स्टेकल्स को पार कर लिया और अब वो राइडर शो से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका था और शो अभी भी वहीं पर खड़ा था। शो सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तब तो मैं उससे बड़े आराम से हार जाऊंगा क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है, इसीलिए अब मुझे भी इन ऑब्स्टेकल्स को पार करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करूं? तभी शो के दिमाग में एक आइडिया आता है और शो अपने फ्लेम काइजर से काफ़ी ऊँचा जंप मारता है जिसकी वजह से वो एक ही बार में उस ऑब्स्टेकल को पार कर लेता है और उसके बाद शो भी अब रेस में आ चुका था क्योंकि शो धीरे धीरे करके सारे ऑब्स्टेकल्स को पार कर रहा था और अब शो काफ़ी करीब आ चुका था उस राइडर के और वो राइडर शो को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसे लगा कि अभी भी शो बहुत पीछे होगा लेकिन अब शो उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका था इसीलिए वो राइडर काफ़ी ज़्यादा हैरान था। वो राइडर शो को ये कहता है कि शो बेशक तुम बहुत अच्छे राइडर हो लेकिन मेरे जितने नहीं। फिर वो राइडर अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है लेकिन शो बच निकलता है उस धमाके से क्योंकि शो ने उस वक्त ब्रेक मार लिया था जिसकी वजह से उसकी फ्लेम काइजर उधर ही रुक गई थी और उसके स्पेशल मूव का धमाका काफ़ी दूर होता है इसीलिए शो बच जाता है। फिर शो अपने फ्लेम काइजर को बहुत तेज से चलाता है क्योंकि वो बहुत पीछे था। वो राइडर शो को ये कहता है कि शो तुम मेरे स्पेशल मूव से तो बच गए लेकिन अब तुम मुझसे बहुत पीछे हो। तभी शो बोलता है ज़रा पीछे तो मुड़ के देखो और उसके बाद वो पीछे मुड़ के देखता है और शो उसके काफ़ी नज़दीक रहता है। शो को अपने इतना नज़दीक देखकर वो राइडर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो राइडर शो को कहता है कि तुम इतनी जल्दी यहाँ तक कैसे पहुँच गए। फिर शो कहता है मेरी फ्लेम काइजर की वजह से। शो की ये बात सुनकर वो राइडर सोचता है कि मानो या ना मानो लेकिन शो एक बहुत अच्छा राइडर है और इतना तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि शो मुझसे भी अच्छा राइडर है लेकिन फिर भी ये रेस वो नहीं जीतेगा। वो राइडर और शो दोनों ही अपने बाइक को और भी ज़्यादा तेज से चलाते हैं और दोनों राइडर एक साथ फिनिश लाइन को क्रॉस कर लेते हैं और इन लोगों की रेस हो जाती है ड्रॉ क्योंकि दोनों ही राइडर ने एक साथ फिनिश लाइन को क्रॉस किया जिसकी वजह से ये रेस हो जाती है ड्रॉ। वो राइडर शो के पास आता है और कहता है कि ये रेस तो ड्रॉ हो गई लेकिन अगर हमें विनर को डिसाइड करना है तो हमें एक और रेस करना होगा। शो कहता है कि मैं एक और रेस करने के लिए तैयार हूँ लेकिन अभी नहीं क्योंकि फ्लेम काइजर अभी एक और रेस करने के हालत में नहीं है इसीलिए हमारी रेस अभी नहीं हो सकती। वो राइडर शो की बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस आप लोगों को एपिसोड नंबर 5 कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताना और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइस मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में।